हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज रियल लाइफ ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी बस हमारा चाय नाश्ता हो चुका है सुबह का और ये गए हैं बाहर, तो मैं बाबू के साथ हूँ घर पर अकेली। तो मैं यहाँ पर जब तक सोच रही थी अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, बाबू खेल रहा है तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले दाल जो अरहर का दाल होता है ना वो मैंने थोड़ा सा भूनने के लिए कढ़ाई में डाला है क्योंकि वो लेके आए थे आज ही। तो इसे सबसे पहले मैं थोड़ा इसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा उला लेती हूँ, भून लेती हूँ मतलब, उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ दाल। तो ये कढ़ाई मतलब रात में सब धो के रखे थे ना तो अभी धुला हुआ था, तो मुझे अभी सबसे पहले मैं यही डाल दे रही थी कि भुन जाएगा, उसके बाद फिर सब्जी वब्जी बनाना रहेगा तो फिर कढ़ाई फिर से धुलना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले इसे ही डाल दिया है। और जब तक यहाँ पे दूध वगैरह डाल दे रही हूँ बॉयल होने, जब तक ये दाल होगा और साथ में यहाँ पर दूध भी बॉयल हो जाएगा और इसे मैं बीच बीच में चला के इसको भुनना है ताकि जल न जाए अंदर से। तो ये ना आधा केजी दाल है तो थोड़ा ही है, तो इसलिए एक बार में ही मैंने सारा डाल दिया भुनने के लिए और ये जल्दी से हो भी गया क्योंकि थोड़ा ही था। तो और बस यहाँ पे मैं दूध रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए और इसे थोड़ा और चला दे रही हूँ क्योंकि नीचे कढ़ाई बहुत गर्म है ना, तो नीचे से वो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा, इसलिए तो मैं इसको मिला दे रही हूँ चला के अच्छे से। और बस दूध मैंने डाल दिया और अब मैं दाल बनाने के लिए कुकर में सेट कर दे रही हूँ। तो मेरा बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था दाल, तो इसीलिए मैंने उसे सबसे पहले उलाया और उसके बाद फिर मसूर दाल के साथ मिक्स करके अभी मैं कुकर में सेट कर रही हूँ बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे सेट कर दिया है और रख दे रही हूँ गैस पे। और जब तक ये दाल वगैरह हो रहा है, दूध वगैरह हो रहा है, यहाँ पे ना मैं ब्रेड में जैम लगा रही थी। मैं थोड़ा सा बाबू को खिलाऊंगी क्योंकि वो ना कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी खाता ही नहीं है, तो मैं सोच रही थी ये उसको मीठा लगेगा थोड़ा, तो मैं और साइड का तो हटा दूँगी, मैं खा लूँगी और बीच का उसे खिलाऊँगी थोड़ा बहुत। वो लेता है खाने के लिए बट एक दो बाइट खा के ना बस हो जाता है उसका, फिर वो अगर ले भी लेता है मुंह में तो नीचे गिरा देता है, ऐसे बिल्कुल खा ही नहीं रहा है वो। तो मैं उसे खिलाई, वो थोड़ा बहुत ही खाया, बाकी का मैं नहीं खा लिया उसके बाद। और यहाँ पे उसके बाद मैं सब्जी बनाने के लिए आ गई थी, दाल में लग चुका है सीटी तो गैस ऑफ कर दिया है मैंने। जब तक उसका गैस निकल रहा है मैं यहाँ पे तड़का लगा ले रही हूँ, तड़के के लिए दाल के लिए निकाल दे रही हूँ और सब्जी छोंक दे रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, तो भिंडी सारा डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, ये भुन जाएगा। भुजिया बना रही हूँ एक्चुअली, इसे क्या कुड़कुड़ी भिंडी बोलते हैं, तो वही मैं डाल के फ्राई करने के लिए ढक दूँगी थोड़ा सा जब तक ये फ्राई हो जाएगा। और पता है आज ना मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था मुझे बैक में और लेग्स वगैरह में, कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मेरा कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था बट फिर भी काम जो डेली बेसिस का होता है करना ही पड़ता है। बट ऐसा हालत आप लोग समझ सकते हैं कि हर मंद औरत के साथ होता ही है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन होता है और कमर में इतना दर्द होता है ना कि बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं सिंपल सा दाल चावल बना ले रही थी, तो दाल यहाँ पे उसका भी गैस निकल गया था तो उसे मैंने निकाल के रखा और वही कुकर में चावल सेट कर दिया है। और बस यहाँ पर भिंडी में भी हल्दी और नमक डाल दी हूँ और थोड़ा और फ्राई करूँगी, ताकि मैं सोची ना कि दाल चावल बना लेती हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा बस, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का मेरा मन नहीं हो रहा था आज, बट फिर भी जो डेली बेसिस का काम रहता है वो तो करना ही पड़ता है।
और उसके बाद ये आ गए थे बाहर से, तो ये भी पूजा का थाल सजा के नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरी नई नवेली गाड़ी हमारी राम प्यारी आ चुकी है। और तो मतलब ऐसे तो घर में जो औरत रहती है वो पूजा करती है कोई भी नई चीज़, मतलब नया व्हीकल आता है तो, बट मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मुझे पूजा करना ही नहीं है, करना ही नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, और मेरे घर में मेरे अलावा तो कोई औरत है नहीं और दूसरी करने वाली, तो मैंने बोला चलो ठीक है खुद ही से कर लो, क्या होगा अब भगवान को तो समझना ही पड़ेगा, सब तो उन्हीं का किया है। तो ये आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए, और इनको ना मैं बता रही थी एक एक स्टेप कि ये करो वो करो, वैसे वैसे ये पूजा कर रहे थे। तो और ये हमारी मेरी आ चुकी है नई नवेली स्कूटी, तो ये कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये मतलब मैं बहुत खुश थी क्योंकि पिछले 7 दिन से ये आने वाला था, आजकल हो रहा था, और फाइनली आज जाके आ गया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, बाकी मेरा तो फेवरेट है। और मतलब मैं ना बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊं, और फाइनली अब जाके मुझे मिला है ये चलाने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे मिल गया। तो बस यहाँ पे ही इसका पूजा वूजा कर रहे थे, और मैं ना बाबू को लेके खड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। ऐसे तो ये कभी भी नहीं आते वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये हमेशा दौड़ ही भागते रहते हैं, बट अभी ये पूजा कर रहे थे तो मैंने तो वीडियो शूट कर लिया थोड़ा बहुत। और पूजा करने के बाद मतलब करने के बाद गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया जाता है, तो मैंने बोला कि स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, और स्टार्ट करके साइड में लगा दो, तो ये थोड़ा सा बस स्टार्ट कर दिए और इसको साइड में लगा दिए फिर। और मेरा तो मैंने बताया जैसे कि मेरा हालत ख़राब है, तो मैं आज तो नहीं चला पाऊँगी गाड़ी, बट 2-3 दिन बाद मैं चलाऊँगी। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं मेरे बाबू को भी गाड़ी पे बिठा दे रही थी, बिकॉज ये बच्चा है ना, इसके सब कदम हर जगह होने चाहिए, तो ये भी बहुत खेल रहा था इस पे चढ़ के। तो बस मैं ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ठीक लाइटिंग है।